बंद हुआ। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और मुझे इत्तला आ रही है कि जी बोल को ऑफ एयर कर दिया गया है। अब हमने क्या जुर्म किया है समझ में नहीं आ रही। हम क्या किया? आपके मुल्क के अंदर यूट्यूब लाइव बंद, एवरी सिंगल चैनल विच वॉज ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब लाइव उन सबको बंद कर दिया गया है। पीटीए ने किया, फेसबुक लाइव बंद, इंस्टा लाइव बंद। तो क्या हम पाकिस्तान के अंदर है, रवांडा के अंदर है? अरे सबसे हमारे के एक दोस्त मुल्क जहां पर जो हुकूमत है हमारे हमारी इतिहाद हमारे मदद कर रही है, हमारी सपोर्ट कर रही है, जिसको हम ऑन करते हैं, आपने उस मुल्क को दुश्मन मुल्क करार दे दिया, तेज कर दिए। क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि ये हुकूमत मुल्क नहीं संभाल सकती, क्योंकि इनका मकसद मुल्क चलाना कभी था ही नहीं। बाय एवरी पासिंग डे पाकिस्तान लुढ़क रहा है, जिस तरह वो स्नोबॉल इफेक्ट होता है, मुल्क लुढ़क रहा है नीचे तबाही की तरफ। ऐसा इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कभी नहीं देखी हमने। हमने कौन सी ऐसी बात कर दी है, हमने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है? खान साहब ने जहां कोई बात ऐसी करने की कोशिश की उनका फेडर डाउन था, इसके बावजूद मैंने हजारों मैसेजेस मेरे फोन पे आए, ट्विटर पे लोग टैग कर करके कह रहे हैं कि आपका चैनल ऑफ एयर हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत को धमकी देने वाली और पाकिस्तानी जो सरकार है शहबाज शरीफ की, उसके खिलाफ बोलने वाली फिजा अकबर खान का जो जिस चैनल पर वो वीडियो आता है, उस चैनल को सस्पेंड कर दिया गया है। और दोस्तों, ये ARY न्यूज के बाद हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि फिजा अकबर खान लगातार पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जो है वो बातें कर रही थी, और इसी वजह से ये बताया जा रहा है और खुद ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जो बोल न्यूज है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि जो फिजा अकबर खान है उस पर बड़ा हंटर जो है वो पाकिस्तानी सरकार की चली है। और दोस्तों, कुछ कुछ तो न्यूज ये भी आ रहा है कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी की बात चल रही है, उससे पहले फिजा अकबर खान की गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि अब फिजा अकबर खान को डर कर रहना चाहिए। और जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से वो टीवी पर आकर लगातार पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बातें कर रही थी, अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि वो कैसी बातें करते हैं। क्योंकि बातें ये भी हो रही हैं कि जो फिजा अकबर खान है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, और खुद पाकिस्तानी सरकार ने ये मन बना लिया है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस चीज़ पर क्या रिएक्शन दे रही है। शायद पहले 5-10 या 11 हज़ार लोग देखते होंगे, उस पर कई लाख लोग देख रहे थे। तो सोशल मीडिया का दौर है यार सर, आप अभी नहीं दिखाएंगे, 15 मिनट बाद दिखा देंगे, आधे घंटे बाद दिखा देंगे, आपको दिखाना तो पड़ेगा ना। टीवी चैनल्स ने भी आखिरकार उसे दिखाया, कट करके दिखाया, लेट दिखाया, थोड़ा दिखाया, लेकिन दिखाना पड़ा आपको। सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया, अगर आप इस तरह पाकिस्तान के एक सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़ी जमात के लीडर जो है उसको ब्लैकआउट करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है वो टीवी को ब्लैकआउट करना शुरू कर देगी सर। लोग सोशल मीडिया पर मजीद चले जाएंगे, उन्होंने तो देखना है, उसको रोक कोई नहीं सकता देखने से। 100 ज़राए देखने के मौजूद हैं, आप प्रॉक्सी लगा के देख लेंगे, आप किसी और तरीके से देख लेंगे, भाई सारा कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ होता है। असल है कि अब दर्जा हरारत कहाँ जाएगा, यह सियासी दर्जा हरारत। आज आप देखें, आज सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, यासर, कि इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है या नहीं, और दूसरा हमारे वजीर दाखिला ने हमारे सबसे हमारे के एक दोस्त मुल्क जहां पर जो हुकूमत है हमारे हमारी इतिहाद हमारे मदद कर रही है, हमारी सपोर्ट कर रही है, जिसको हम ऑन करते हैं, आपने उस मुल्क को दुश्मन मुल्क करार दे दिया। अफगानिस्तान को कह दिया गया ये एक अफगानिस्तान दुश्मन मुल्क है, यही कहा है ना जी। ये मैंने नहीं कहा। तो क्या इस पर, इस बात पर हमारे अदारे उस पर एक्शन लेंगे? क्या हमारी वजारत खारजा इस पर एक्शन लेगी? क्या इस पर कोई मुकदमा दर्ज होगा? क्या इस पर कोई सख्त तरीन रद्दमल आएगा? क्या इस पर यह कहा जाएगा कि जनाब इस शख्स ने ये जो लफ्ज कहे ये बड़े गलत हैं? ये तो देखना होगा। ये खान साहब के साथ या PTI के साथ क्या हो रहा है, तो और कुछ ना करें, ये पाकिस्तान के 16 करोड़ कमोबेश जो वोटर्स या सपोर्टर्स जो लाइक कर रहे हैं, 22 करोड़ में से आप 16 करोड़ की लिवरेज तो देना जो सब खड़े हैं इमरान खान का। आप एक काम करें, आप उन सब को एक बहुत बड़ी कश्ती बनाएं और उनको दरिया बुर्द कर दें, समंदर बुर्द कर दें, आपके पास कोई हल नहीं है। और उस 16 करोड़ में से कमोबेश 5 करोड़ विमेन हैं, जिसमें वर्किंग लेडीज भी हैं और नॉर्मल जो घरों में काम करती हैं ख्वातीन वो भी हैं। आप एक काम करें, उनको जलते कुएं में डाल दें, आप कुछ नहीं कर सकते। उनके ऊपर एटम बॉम्ब चला दें, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आंखें बंद कर लेने से तो रात नहीं हो जाती ना,
कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले तो बिल्ली के झपटे से बच तो नहीं सकता ना। तो ये कौन सा तरीका है कि आप पाबंदे सलासल कर रहे हैं, आवाज बंद कर रहे हैं। वो जबरदस्त शेर है, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। ये बहुत अफसोस की बात है। आज बोल टेलीविजन, आपने क्या किया, आपके मुल्क के अंदर यूट्यूब लाइव बंद, एवरी सिंगल चैनल विच वॉज ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब लाइव उन सबको बंद कर दिया गया है। पीटीए ने किया, फेसबुक लाइव बंद, इंस्टा लाइव बंद। तो क्या हम पाकिस्तान के अंदर हैं, रवांडा के अंदर हैं, हम दुनिया के किस खित्ते में हैं? पैमरा ने हमें एडवाइजरी दी और एडवाइजरी यह थी कि आप रिकॉर्डेड चलाएं, हमने डिले के साथ दिखाया और ऊपर बग लगा हुआ है कि रिकॉर्डेड है, और आप उस चैनल की नशरियात बंद कर देते हैं, मुल्क के मकबूल तरीन मीडिया हाउस की नशरियात आप बंद कर देते हैं जिसको पूरा पाकिस्तान देखना चाह रहा है। हमने कौन सी ऐसी बात कर दी है, हमने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है? खान साहब ने जहां कोई बात ऐसी करने की कोशिश की, उनका फेडर डाउन था, इसके बावजूद मैंने हजारों मैसेजेस मेरे फोन पे आए, ट्विटर पे लोग टैग कर करके कह रहे हैं कि आपका चैनल ऑफ एयर हो चुका है। हाँ, बिल्कुल, इससे पहले मुझे भी बता रहे हैं। ऐसे ही मैडम, इससे पहले आपने ARY के साथ किया, आप कितने चैनल्स को बंद करेंगे, आप कितनी जबानों को मुकफल करेंगे, कितने होठों के ऊपर आप ताले लगाएंगे? ये नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ आप अंडरस्टैंड कीजिए, दिस इज 2022। आप लोगों की बनती हुई सोच और उनके अंदर तब्दीली के मादे को रिवर्स गियर नहीं लगा सकते, इट्स एन इररिवर्सिबल रिएक्शन, और ये आपका अपना जनरेट किया हुआ है, इसको आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं? इंतहाई अफसोसनाक है। आप रिजल्ट देखिए, महमूद मौलवी साहब को कोई नहीं जानता था, जस्ट बिकॉज के इमरान खान उनकी बैक पर खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन होने जा रहा है, ये जो आ रही है मुख्तलिफ अकाउंट्स वगैरह, ये आहिस्ता बढ़ते बढ़ते यूट्यूब पे जाएगा, ये बागे बाकी जगहों पे जाएगा। शेख रची साहब ने भी आज तकरीर में गालिबन बात की है, ये लाइव स्ट्रीमिंग बंद होगी, ये सारे सिलसिला अच्छा। और इसको जाहिर है कि हुकूमत की फेवर में इस तरह से बच जाएगी कि उन वो यूट्यूब चैनल और वो सारे जो के इन्वॉल्व हैं खान साहब के साथ, या जहां पे बात हुई है खान साहब की, या जहां पर बात हुई है फौज के अगेंस्ट या जजों के खिलाफ या बाकी इस तरह के मामला, तो वो YouTube चैनल्स या वो के फौज के खिलाफ जो कंपेनिंग हुई है उसका वो हिस्सा रहेगा। सर बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो कल का जो मैं बात कर रहा था ना, कल एक तो ये शहबाज गिल साहब का हो सकता है उनको पेश करें, हो सकता है ना पेश करें, मेडिकल रिपोर्ट पेश होगी उनकी, जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा, और उसके साथ ही जो है वो अगर जिस्मानी रिमांड ले लिया तो पुलिस वहां से देखने ही हॉस्पिटल डिस्चार्ज करता है कि नहीं करता, क्योंकि अगर हुकूमत कह रही है कि वो फिट हैं तो फिर वो हॉस्पिटल में हैं तो ये हो सकता है डिस्चार्ज हो। अगर तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया तो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, और खास करके बोल न्यूज जिसका चैनल जो है वो पाकिस्तान में सस्पेंड किया गया है, और दोस्तों ये ARY न्यूज के बाद ये चीजें हुई हैं, और दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जिस प्रकार इमरान खान भाषण दे रहा है, और भाषण में सॉरी स्पीच जो दे रहा है या फिर जो भाषण दे रहा है उसमें जिस प्रकार की बातें वो बोल रहा है उसको लाइव बोल न्यूज पे चलाने की वजह से ये सब किया गया है। यानी कि जो पाकिस्तानी सरकार है वो अब उन चैनलों को भी देख रही है जिस पे इमरान खान का जो स्पीच वो चल रहा है या फिर जो इमरान खान का समर्थन कर रही है, और इसीलिए ये बताया भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिजा अकबर खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। और दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं कि जो पाकिस्तानी अदालत है उसने ये कहा है कि 25 तारीख से पहले इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि इमरान खान पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और 25 तारीख के बाद देखने वाली बात हुई है क्या इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन अब फिजा अकबर खान की जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, आई थिंक कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।